कॉलेज के नज़दीक कैशको संचालकों द्वारा 2018 से 2023 तक फर्जी रसीदें काटकर हजारों छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर एजेंसियों द्वारा आज पीजी कॉलेज में एक धरना दिया गया एवं भूख हड़ताल पर बैठे। नमस्कार, मैं हूं लोकेश जी ठाकुर। इस वक्त मैं हूं पीजी कॉलेज परिसर में। यहां पर आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई द्वारा यहां पर धरना दिया जा रहा है। ये धरना वो धोखाधड़ी को लेकर कर रहे हैं छात्रों के साथ में। 2018 से ये घोटाला चल रहा है। घोटाला ये है कि छात्रों ने जो परीक्षा फीस और उनकी जो भी फीस कट रही थी वो फीसें कटवाई थी, तो उन फीसों में उन्होंने क्या किया था, जो फीस कटवा रहे थे तो एक व्यक्ति की फीस काट देते थे ओरिजिनल, बाकी जिन लोगों के काटते थे उनकी कॉपी कर देते थे। तो इस तरीके से उन्हें उनके अकाउंट से कोई फीस नहीं कटी है, केवल छात्रों को उनकी कॉपी कर करके और एडिट कर करके छात्रों को देते। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो के कारण ये जो आप कह रहे हैं कि रसीदें काट दी गई, फर्जी काट दी गई, कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये घोटाला जो किया है, घोटाला ऑनलाइन कियोस्क संचालकों ने किया है, इसमें कंप्यूटर जो कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी इन्वॉल्व है, और कॉलेज प्रशासन, क्योंकि 2018 से ये घोटाला लगातार हो रहा है, तो अभी तक कॉलेज प्रशासन को ये पता नहीं चल पाया कि इसमें घोटाला हो रहा है। कॉलेज के खाते में जो फीस कटती है वो पैसा आता है, वो पैसा नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के छात्रों के हित में एनएसयूआई के सभी पदाधिकारियों की ये भूख हड़ताल है, और हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये मांग करते हैं प्रशासन से कि इससे पूर्व में भी हम लोगों ने एनएसयूआई के माध्यम से ज्ञापन दिया है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने ज्ञापन दिया है और जिन छात्रों के साथ में घोटाला हुआ है उन छात्रों की फीस माफ की जाए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो, चाहे जो भी उसके संचालक हो, सबके खिलाफ FIR हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी आपने शिकायत कौन सी की? हमने इसके विषय में 13 तारीख को प्रचार महोदय को भी कुलपति के नाम ज्ञापन देके इस पर शिकायत कर चुके हैं, और 22 तारीख के हमने SP महोदय से भी इसके बारे में ज्ञापन देके हम इनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। परंतु हमें अब 10-12 दिन के करीब बीत चुके हैं, तो हमें विवश होके भूख हड़ताल करना पड़ा है। हमारी मांग बहुत छोटी सी मांग है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सबकी आप फीस जमा कर दें, उन सबकी फीस माफ कर दें आप लोग। अब हमने जो ये ज्ञापन दिया, ये जो लिस्ट है ये सभी छात्र छात्राओं की बची हुई फीस है, आप सभी की माफ कर दीजिए। जितनों की 20 बच्चों की 21 बच्चों का हम ये आवेदन बना के प्रिंसिपल महोदय को देते हैं तो वो उनकी फीस माफ कर देते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप तो पूरों की माफ कर दें, और जितने भी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और अपने बाहर के जो भी संचालक हैं इन सबके ऊपर कार्रवाई करके उनके ऊपर FIR कायम ही करी जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है ये वर्ष 2018 से चल रही है, इसके बारे में अभी तो हमें एक विषय में मालूम जानकारी पड़ी है, इससे पूर्व में कितने हो चुके हैं, इसके बाद में कितने हो चुके हैं, सभी की जांच हो। अंदर जो बोलते हैं कि SBI का जो इनका डेटा है, आप पुलिस चाहे तो SBI का डेटा जाके बैंक से निकलवा सकती है, वो पूरा एक स्टेटमेंट बना के दे देंगे कितनी फीस पहुंची है कितनी फीस नहीं पहुंची है, सारा का सारा डेटा कलेक्ट करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। हमारी से इतनी सी मांग। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना? बस इतना ही कहना चाहेंगे, पूरी मतलब पूरे जो भी चीज हो रही है इसके ऊपर पूरी जांच की जाए। अभी आपने कलेक्टर से मांगनी की इस बारे में, क्योंकि अध्यक्ष भी कलेक्टर होते हैं कॉलेज के। हमने SP साहब को भी ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, और हमने उनसे भी मांग की थी, उन्होंने केवल आश्वासन देते हैं। हम लोगों ने उनको अल्टीमेट दिया था कि 7 दिवस के अंदर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, परंतु अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। वो कियोस्क संचालक अपनी कियोस्क चला रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अब इसमें छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। छात्र बड़ी मुश्किल से तो छात्र जैसे तैसे पढ़ते हैं, अब उसमें हो क्या रहा है, जो 2018 से जिन छात्रों ने BA या ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, इसके बाद में वो PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, तब जाकर ये सेकंड सेम थर्ड सेम में उनकी ये बात ओपन हो रही है कि उनपे 7-7 हज़ार, किसी पर 10 हज़ार, किसी पर 8 हज़ार फीस बकाया आ रही है। जब से प्रशासन कॉलेज प्रशासन क्या सो रहा था, जब से 5-7 साल इसको हो गए, 5-7 साल से क्या नींद में था प्रशासन, अब छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जब वो NOC लेते हैं NOC के समय परेशान किया जा रहा है छात्रों को, तो हम मीडिया के माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि सरकार इस पे
जल्द से जल्द एक्शन ले, सख्त से सख्त कार्रवाई करें उच्च स्तरीय जांच करके, नहीं तो ये एनएसयूआई का आंदोलन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी प्रदेश अध्यक्ष से और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात पहुंच चुकी है, अब ये आंदोलन प्रदेश स्तरीय उच्च आंदोलन होगा। ये गुड़िया की फीस जमा करने के लिए वो मतलब अंदर भी गई थी, अंदर से जो ऑपरेटर वगैरह है उनने उसको मतलब बहुत बदतमीजी के साथ बाहर भगा दिया था कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपका इसका किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया जाएगा, और वो मतलब रोते रोते हम लोगों के पास में आई थी। इस चीज के लिए मतलब आप अंदर से कोई जांच नहीं हो रही है, सर कोई मदद कर नहीं रहे, जो FIR करवाने जा रहे हैं उनकी कोई FIR नहीं हो रही है, मतलब इस चीज की जांच क्यों नहीं हो रही है, कोई भी मदद क्यों करने तैयार नहीं है किसी भी इंसान की, हमें इस पूरी सारी चीज की हमें कार्रवाई चाहिए और सब पे जांच मांगते हैं हम। हमारे साथ PG कॉलेज के प्रिंसिपल तिवारी सर जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि आज NSI धरना दे रहा है और धोखाधड़ी का जो इल्जाम लगा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? NSI ने धरना देने के संबंध में मुझे कोई भी सूचना नहीं थी। अगर कॉलेज प्रांगण में कोई धरना देता है तो पहले प्राचार्य की अनुमति, अभी आपसे अनुमति नहीं। दूसरा जो आपका ये प्रश्न है कि ऑनलाइन वाले, तो कुछ ऑनलाइन वालों ने डुप्लीकेट उसकी रसीद की कॉपी करके कुछ फर्जी रसीदें काटी, संख्या ज्यादा नहीं है, हमने निकाला उसका डाटा, हमें ज्ञात है और हमने ही डाटा निकाला उनका, जिनकी फीस जमा नहीं, करीब 150 छात्र ऐसे हैं जिनके साथ इनकी ऑनलाइन वालों ने फुटपट्टी की, तो उसकी हमने सूची भी चस्पा कर दी गई है, और ये भी लिखा है कि यदि कोई छात्र वो फर्जी रसीद के साथ यहाँ आता है, हमें आवेदन देता है, तो हम पुलिस में उसकी FIR करवाएंगे, और NSI ने हमें जो ज्ञापन दिया था उसके तहत हमने आवेदन कैंट थाना कोटवाली को भेज दिया। हाँ, पहले क्या TC पर भी, चूंकि SBI का पोर्टल था तो ऐसा नहीं था कि भाई 420 कोई करेगा, तो TC पर भी जब लड़का TC लेता है तो उस पर नोटिस करवाया जाता है, तब ज्ञात होता था, लेकिन जब हमें ऐसी गड़बड़ी की सूचना मिली तो हमने पोर्टल ही बदल दिया, तो पोर्टल बंद कर दिया। हाँ, पोर्टल को बंद कर दिया, और हम 2 वर्षों से हमने नया QFIX पर फीस जमा करवा रहे हैं, उस पोर्टल में ये सुविधा है कि हम छात्र की तुरंत देख लेते हैं कि इसने फीस जमा है कि नहीं, और छात्र को हम इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जैसे अब उन लोगों की धोखाधड़ी जो छात्रों के साथ हो गई तो उनके साथ क्या होगा? अब अगर वो छात्र हमारे पास आते हैं उनकी हम FIR करवाएंगे और उन पर जो कार्रवाई होगी करवाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ PG कॉलेज के प्रिंसिपल जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से धोखाधड़ी जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत भी की और NSI की जो मांग थी उस पर वो काम भी कर रहे हैं। अक्षत न्यूज से बात करने के बाद प्रिंसिपल ने सभी छात्रों की मांगें मानते हुए उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत की और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर NSI द्वारा धरना दिया जा रहा था, उसको अभी प्रिंसिपल सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने समझा दिए, क्या कहा है उन्होंने आप लोगों? देखिए, प्रिंसिपल सर ने हमको आश्वासन दिया है कि जितने भी छात्र हैं, जिन छात्रों की फीस ओवरड्यू आ रही है, ड्यू आ रही है, उन सभी छात्रों की फीस को वो माफ करेंगे और 1 घंटे के अंदर वो इस बात प्रेस नोट जारी करके इस बात की सूचना देंगे। और मैं सभी यहाँ पर NSI के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन सभी ने यहाँ उपस्थित होकर भूख हड़ताल की, और ये एक NSI की बड़ी जीत है। तो अब आपको आश्वासन मिल गया, तो आप लोग सब धरना समाप्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक NSI की बहुत बड़ी जीत है, जिसको लेके 13 तारीख को भी हमने ज्ञापन दिया, 22 को भी ज्ञापन दिया, आज प्रचार महोदय ने हमें संतुष्ट किया है कि 1 घंटे में वो प्रेस नोट जारी करेंगे और सभी बच्चों की फीस माफ करेंगे और जो भी संचालक रहे हैं उधर अपने दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। हमारी यही मांगे थी, उनने मांग पूरी कर ली गई है, 1 घंटे का उनने हमें समय दिया, हम हमारी भूख हड़ताल यहीं पे खत्म करते हैं और अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन की भी तैयारी रखेंगे, पर अभी हम इस विषय से प्रिंसिपल महोदय से संतुष्ट हैं। तो देखिए, NSI के सभी छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद। फोटोग्राफी प्री वेडिंग शूट, कैंडिड फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग शूट, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, LED बॉल, लाइव इवेंट, तो उठाइए अपना फोन नंबर तो डायल कीजिए 9589817381 99814227 59।
अनुस फोटो स्टूडियो, तो आज ही बुक कराइए। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर, आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में बुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, चार लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स। और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक, इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में जरूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र